बाड़मेर शहर के लक्ष्मीपुरा में सीएमएचओ कार्यालय के सामने वाले मुख्य मार्ग पर पिछले लंबे समय से नाले के ओवरफ्लो होने की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। यहाँ आए दिन नाला ओवरफ्लो हो जाता है और नाले की गंदगी सड़क पर आ जाती है। इससे यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों और वाहनों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शहर के लक्ष्मीपुरा इलाके में एक गंदे पानी का नाला लोगों के जी का जंजाल बन गया है। यह नाला आए दिन ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहता रहता है, जिससे सीएमएचओ ऑफिस के सामने वाले मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित रहता है। मुख्य सड़क पर आए दिन गंदे पानी के बहने से आसपास के घरों के लोगों का बदबू, गंदगी और मच्छरों की वजह से जीना मुहाल हो गया है। लोगों का कहना है कि महीने में 25 दिन यह नाला ओवरफ्लो होकर बहता रहता है, जिससे उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक नगर परिषद के जिम्मेदारों को कई मरतबा इस समस्या से लिखित रूप से अवगत करवाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। मेरी यहाँ दुकान है लगभग 2 साल से, करीबन ये नाले वाले समस्या लगभग महीने में 20 दिन रहती है यहाँ पे, और आम जन को बहुत परेशानी होती है। और यहाँ भी क्या तो लाइब्रेरी है, नर्सिंग स्टूडेंट है, मतलब ज़्यादा विद्यार्थी ज़्यादा है, उनको क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। और बारिश के समय में तो अच्छी कंडीशन हो जाती है, और नाले में क्या है बीच में बड़ा खड्डा है जिसमें कई वाहन गिर जाते हैं, कई पशु गिर जाते हैं, कोई बेचारे कुत्ते भी गिर जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। जल्द से जल्द समाधान हो तो सबके लिए अच्छा रहेगा, विद्यार्थी के लिए अच्छा रहेगा। ये लक्ष्मी नगर है, राय कॉलोनी के बीच में है। तो क्या समस्या है? ये हमारे कम से कम काफ़ी टाइम से ये हो रही है समस्या। मेरा यहाँ पास में सैलून है, पावन हेयर सैलून। यहाँ बारिश आती है हर महीने में 25-20 दिन तो ये पानी फिक्स आता रहता है। यहाँ सब गिरते हैं, ये खड्डे है, मगर ये अभी तक तो सही हुआ नहीं है। कहीं घूम के आते लोग होते हैं तो वहाँ से घूम के आते सब, और लोग परेशान बहुत भी है। बहुत शिकायतें करी यहाँ दुकान वालों ने, करी यहाँ ने, करी इन लाइब्रेरी वालों ने, करी यहाँ पास वालों ने, करी सब ने करी, मगर ये हो रहा नहीं है, समाधान नहीं हो रहा। गौरतलब है कि लक्ष्मीपुरा में यह समस्या लंबे समय से चल रही है। नाले का पानी अक्सर सड़क पर बहता रहता है, जिससे वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वह इस नाले के आसपास कई निजी शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिससे कई मरतबा इन शिक्षण संस्थाओं में आने वाले छात्र छात्राओं को भी दो चार होना पड़ता है। यहाँ के बासिंदा ने नगर परिषद के अधिकारियों से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि गंदगी और बदबू से उन्हें छुटकारा मिल सके।